नमस्कार दोस्तों, आज शुरुआत करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा 10 अगस्त का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो 10 अगस्त के करंट अफेयर्स में जो होने वाले क्वेश्चन हैं, जो आज बनने वाले क्वेश्चन हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है, ठीक है। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस दर पर बरकरार रखा है, तो ये है आपका, इसका आंसर हो जाएगा 6.5%, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट दर को किस पर बरकरार रखा है, आपका 6.5%। देखिए, आरबीआई की अगर बात की जाए तो आरबीआई ने लगातार तीसरी बार एमपीसी ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा, ठीक है। इससे पहले कब हुई थी, 2 जून 2023 में बैठक में इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आरबीआई क्या है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आरबीआई के नेतृत्व वाली एक समिति है, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। तो तीसरी बार इसे क्या रखा है, बरकरार रखा गया इस दर को, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है कितनी है, 6.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ के गुवाहाटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में एकल मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए, अगर इसकी बात करूं तो इसमें आपका है, यह है आपका मूल्यो हांडियो। कौन है, मूल्यो हांडियो। देखिए, गुवाहाटी भारतीय बैडमिंटन संघ BIU से बोलते हैं, भारतीय बैडमिंटन संघ को हम क्या बोलते हैं, BAIB बोलते हैं, ठीक है। देखिए, गुवाहाटी में भारतीय BI के नए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के कोचों को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका मूल्यो हांडियो को नियुक्त किया गया है। देखिए, इंडोनेशिया के मूल्यो हांडियो क्या हैं, इंडोनेशिया के हैं। कहाँ के, अगर इनकी बात करूँ तो ये आपके इंडोनेशिया के हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है, ये कहाँ के हैं, आपके इंडोनेशिया के हैं, ठीक है। तो नामित किया गया है, पूर्व में क्या थे, ये ऑल इंग्लैंड चैंपियंस रूप्स के इवान सोजनर, इनसे पहले जो शामिल किया गया था। तो मूल्य हांडो कहाँ के हैं, आपके इंडोनेशिया के, जो इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया। देखिए, अगर इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, किस राज्य यूटी के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को GI टैग जो मिला है, उसे किसे मिला है, आपका जम्मू कश्मीर राज्य को, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर राज्य को जो मिला है आपका, जो मिला है राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट का जो जियो टैग मिला है, जिसे बोलते हैं भौगोलिक संकेत, ठीक है। जियो टैग की अगर बात करूं तो इसे बोलते हैं हम भौगोलिक संकेत, ठीक है। तो किसे मिला है, जम्मू कश्मीर को, आपको इसका ध्यान रखना है, भौगोलिक संकेत क्या होता है आपका, जियो टैग, ठीक है। तो GI टैग की अगर बात करूं, देखिए, तो इसके साथ ही राज्य के अनंतनाग जिले को मुस्क बुद्विजी किस्म के चावल, ठीक है, इसके साथ ही जो आपका कहाँ का है, आपका अनंतनाग जिले को, ठीक है, इसके साथ ही राज्य के अनंतनाग जिले को मुस्कमाजी चावल को GI टैग प्रदान किया गया, ठीक है। भारत की भौगोलिक संकेतों को संक्षिप्त रूप में आपका क्या कहते हैं, GI टैग कहते हैं, ठीक है। तो कहाँ को, किसे दिया गया आपका, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट का, आपका जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। देखिए, इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स में भारत की रैंक की बात करूं तो भारत की रैंक कितनी है आपकी, छठवां रैंक है। कितनी है, छठवीं रैंक है। देखिए, जो भारत ने इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स की में भारत के 43% के कितने स्कोर किया था, 43% तक, ठीक है। समग्र स्कोर के साथ दक्षिण एशिया में छठा स्थान है। कौन सा, दक्षिण एशिया में, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है, दक्षिण एशिया में इंटरनेट के उसमें कितना है, छठा स्थान है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ, देखिए, पहला स्थान की तो पाँचवें, देखिए अगर बात आती है तो 50% के साथ कौन सा आपका, मालदीप है इस रैंकिंग में। भूटान की बात करूँ तो देखिए, भूटान की अगर बात की जाए तो भूटान की रैंकिंग कौन सी है आपकी, 58, भारत की कितनी है, 43% के साथ, ठीक है, 43% भूटान की कितनी है, 58% के साथ। तो इस रैंकिंग को इंटरनेट सोसाइटी तैयार करती है, इस रैंकिंग जो करती है आपकी इंटरनेट सोसाइटी तैयार करती है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, 43वीं रैंक है, 43% है, भारत का छठवां स्थान है, ठीक है, रैंक में कितना है, छठवां स्थान है।
दक्षिण एशिया की कौन सी है आपकी छठवें, भारत की छठी रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया। देखिए, किस बैंक ने हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, तो किसने किया आपका, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। किसने किया है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ठीक है, तो इको फ्रेंडली जो आपका ये डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, क्या है, एक प्रमाणित इको फ्रेंडली मटेरियल है। ठीक है, जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक और क्लासिक वेरियंट दो कार्ड लॉन्च किए हैं। ठीक है, एक तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्लासिक वेरियंट में दो कार्ड लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो कौन सी बैंक ने किया, आपको इतना याद रखना है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लायन डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड लायन डे की अगर बात करूँ तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए, वर्ल्ड लायन डे की बात करूँ तो ये आपका प्रतिवर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, विश्व सिंह दिवस जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व सिंह दिवस। ठीक है, क्या बोलते हैं, विश्व सिंह दिवस। देखिए, प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है आपका, 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, अगर उद्देश्य की अगर बात करूँ, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य आपका शेरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, शेरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है, संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, देखिए, विश्व सिंह दिवस की अगर बात करूं तो पहली बार कब हुआ था। देखिए, विश्व सिंह दिवस आपका पहली बार, ठीक है, तो पहली बार 2013 में मनाया गया था। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था, 2013 में मनाया गया था। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है। देखिए, अगर यहाँ पे आपकी बात करूँ, देखिए जो मनाया जा गया है गुजरात में, देखिए विभिन्न कार्यक्रम आपके जरिए विश्व सिंह दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, गुजरात का जो है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, अगर इसकी बात करूँ, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है दुनिया में एशिया का शेरों का एकमात्र प्राकृतिक निवास है। जो आपका यह है गिर राष्ट्रीय उद्यान, क्या है, एकमात्र दुनिया का प्राकृतिक, ठीक है, एशियाई शेरों का एकमात्र, क्या है, दुनिया में एशियाई शेरों का, एशियाई शेरों का प्राकृतिक निवास है। ठीक है, तो शेरों का एकमात्र क्या है, ये प्राकृतिक निवास है, आपको इसका भी ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का, एकमात्र प्राकृतिक निवास है। ठीक है, कौन सा आपका, गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो एक ही है आपका ऐसा, ये जो प्राकृतिक राष्ट्रीय शेर का एकमात्र निवास स्थान है। तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन बन गए, ठीक है, शेर का उद्देश्य संरक्षण के लिए है, सिंह पहली बार 2013 में मनाया गया था, गिर राष्ट्रीय उद्यान का आपका गुजरात में। ठीक है, तो एशिया शेरों के एकमात्र क्या है, प्राकृतिक निवास स्थान है, और कब मनाया जाता है, ये आपका लायन डे जो मनाया जाता है आपका प्रत्येक 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको सारा इसमें आपका पूरा कंप्लीट हो गया आज के करंट अफेयर्स में। ठीक है, देखिए इसकी PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। और चलते टेलीग्राम चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद।